सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस को का एक मंच हम बनाए। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करे। असहमति हो सकती है लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।